दिस वीडियो इज नॉट इंटेंडेड फॉर किड्स, इट्स इंटेंडेड फॉर वाइड कलेक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस फिर से एक और गजब के वीडियो के साथ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या, हमारे पास एक बेब्लेड है गाइस यहाँ पे। और आप सोच रहे हो कि ये नॉर्मल सा बेब्लेड है, क्या खास है इसमें, कुछ खास है नहीं नहीं है। तो गाइस उस पर हम अभी आएंगे कि इसमें कुछ खास है कि नहीं, क्योंकि इसमें कुछ खास होगा तभी ना वीडियो बन रहा है। तो यस गाइस, ये मेरा ऐसे ही मन किया कि आज कुछ अलग करते हैं, तो मैं अलग के चक्कर में इसको उठा लाया हूँ। और कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ ओजी पे बैटल वीडियो कुछ बनाए, तो मुझे ओजी पे कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा था, तो मुझे अचानक इस पे नजर चली गई और मैं भाई खुशी से पागल हो गया भाई, इतना सही चीज है। तो गाइस ये काफी हद तक एक एनिमे वाली गजब की चीज है, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या है, ठीक है। लेकिन गाइस उससे पहले हम उसमें आगे बढ़े, हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है यार, नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और कर दिया है तो लाइक शेयर और कमेंट यार कर दो, ठीक है। कर दिया ना, ठीक है, कर दिया होगा, आई नो आप कर देते हो। तो चलो गाइस कर देना, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें ऐसा क्या खास है। तो गाइस इधर से अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा ये बहुत नॉर्मल सा बेब्लेड है, लेकिन गाइस जब हम इसको टर्न करते हैं तो ये देखो, ये है मेन आइटम गाइस। तो यस गाइस, अगर आपने बेब्लेड एनिमे में केनी का बेब्लेड देखा होगा फ्रॉग वाला, तो उसके नीचे गाइस ये जंपी बेस लगा रहता है। ये बेब्लेड बेसिकली जंप करता है गाइस, और ये थोड़ा सा गिमिक काफी अच्छा वर्क करता है। मेरे पास ऊपर का लेयर नहीं था तो मैंने इसे रैंडमली कुछ भी लगा दिया है, बट आप इसको केनी का बेब्लेड एक प्रकार से मान सकते हो, क्योंकि गाइस केनी का कभी भी जो अटैक रिंग था वो प्रॉपर रिलीज नहीं किया टाटा डोमी ने, सिर्फ बेस रिलीज किया था। और वेट डिस तो मतलब आती रहती है, तो उसका कोई चक्कर नहीं है। तो मेनली बेस का खेल है, तो बेस अपने पास आ गया गाइस, तो इसको हम ट्राई करेंगे और काफी मजेदार होने वाला, मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है। बाकी आप बताओ यार ये बेस कैसा दिख रहा है, मेरे हिसाब से तो गजब का दिख रहा होगा। तो यस गाइस ये भी ट्राई करने वाले हैं, और देखो क्या क्या होने वाला है। तो कुछ बेब्लेड्स हैं गाइस यहाँ पे जिनके अगेंस्ट इनको ट्राई करेंगे, तो चलो यार ट्राई करते हैं। ट्राई करने से पहले एक टेस्ट पिन तो देखो बनता है भाई, है ना, तो टेस्ट पिन करेंगे इसका, फिर इस पे बैटल करेंगे। तो हो जाए टेस्ट पिन गाइस। ये क्या गाइस, अरे बाबा रे, ये क्या है भाई, ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना उछलेगा। तो ये कुछ खतरनाक ही चीज ही खतरनाक है भाई, कुछ अलग ही आइटम है ये। तो चलो देखते हैं कि क्या ये एक्चुअल में सक्सेसफुल होने वाला है या नहीं, क्योंकि एनिमे में तो गाइस इसका कुछ अलग ही लेवल का दिखा रखा था। तो चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो पहला बैटल गाइस करेंगे हम कुछ हल्के से फेवरेट से, जो कि ड्रसील एस होने वाला है यहाँ पे। तो चलो ट्राई करते हैं, मैं इसको रोक देता हूँ अभी के लिए। चलो हो जाए ड्रसील एस से। ये क्या गाइस, ड्रसील एस। अब गाइस बारी है अपनी जंपी वेवलेट की। ये क्या अपना जंपी वेवलेट, मुझे लग रहा है ड्रसील को तो हराने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और हरा दिया भाई। काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है यार, एनिमे में अच्छा परफॉर्म किया, यहाँ पे भी कर रहा है, क्या बात है भाई। स्टैमिना भी इसका बहुत गजब का है, काफ़ी अच्छा बेब्लेड है। अब गाइस लाते हैं कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट जो होने वाला, ट्रिगर एफ। तो चलो ये देखते हैं क्या करता है। तो पहले मैं जंपी बेब्लेड को लॉन्च कर देता हूँ, अभी तक तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ओ भाई लॉन्च ख़राब, फिर से करना पड़ेगा। तो एक ये भी दिक्कत है कि सही से इसको लॉन्च करना पड़ेगा, ना लॉन्च नहीं होगा क्योंकि उछलता बहुत है ना। हाँ ये देखो कितना ज़्यादा उछला है। अब ड्रिगर वैसे लॉन्च अच्छा हुआ नहीं है, ड्रिगर ये गया, लॉन्च वैसे अच्छा हुआ नहीं था, बट कोई नहीं, देखते हैं कितना सर्वाइव कर पाएगा यार। फिर भी काफ़ी सर्वाइव किया, काफ़ी सर्वाइव किया, मतलब अच्छा लॉन्च ना होने के बावजूद भी इतना सर्वाइव किया, मज़ेदार बात है। अब गाइस इसके अगेंस्ट ट्राई करते हैं वुलबॉर्ग के अगेंस्ट, देखते हैं वुलबॉर्ग को हरा पाएगा नहीं, क्योंकि वुलबॉर्ग यार प्लास्टिक जेन में तो स्टैमिना किंग है भाई। ये क्या गाइस वुलबॉर्ग, क्या लॉन्च है गजब। अब इसकी बारी गाइस, अब जंपी वेवलेट की। लॉन्च तो ठीक हुआ है, दीवार से भिड़ गया था, ठीक है। ओ भाई ओ भाई, वुलबॉर्ग की हालत ख़राब कर दी, देखें कौन रुकेगा पहले, क्योंकि वुलबॉर्ग में बियरिंग है गाइस, तो वुलबॉर्ग भी काफ़ी देर चलता है, और लग रहा है जंपी अपना जीत जाएगा भाई। जीत गया, क्या बात है, बहुत अच्छे वुलबॉर्ग, बहुत अच्छे जंपी। तो यस गाइस जंपी वेवलेट गजब का। अब गाइस फ्लैश लेपर्ड के अगेंस्ट ट्राई करते हैं, क्योंकि फ्लैश लेपर्ड से जीतने में भाई डिफिकल्टी होगी, पक्की बात है। ये क्या जंपी वेवलेट, बहुत उछल रहा है। अब गाइस बारी फ्लैश लेपर्ड की, थोड़ा सा लॉन्च धीमा हो गया आई थिंक जब तक हमने फ्लैश लेपर्ड लॉन्च किया, बट ओवरऑल गाइस ये बेवलेट बहुत मस्त चल रहा है, मैं तो हैप्पी हूँ। एक बार और फ्लैश लेपर्ड से ट्राई करेंगे, बट इस बार ना क्या करेंगे, फ्लैश लेपर्ड को पहले लॉन्च कर देंगे, फिर जंपी को करेंगे, क्योंकि जंपी का लॉन्च बिगड़ गया था। तो वैसे तो फ्लैश लेपर्ड जीत गया, क्योंकि फ्लैश लेपर्ड बहुत स्ट्रांग है भाई, बहुत स्ट्रांग है। तो देखते हैं क्या जंपी अब इसको हरा पाएगा गाइस। ये क्या गाइस जंपी अपना, ओ भाई ये तो एनिमे वाला मूव था एकदम, मुझे लगता नहीं गाइस हरा पाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ यार पता है मेरे कुछ अटैक रिंग में दिक्कत है आई थिंक, फिर भी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी मैच चल रहा है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया यार, नॉट बैड नॉट बैड। तो ये काफ़ी हद तक यार एनिमे जैसा कर सकता है यार, ये कैनी का वेवलेट, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब गाइस लास्ट बैटल करेंगे अपने ड्रॉन्जो से। ये है, मैं भूल गया उसका नाम, मेटल ड्रॉन्जर आई थिंक शायद। चलो ट्राई करते हैं, जंपी को मैं पहले लॉन्च कर देता हूँ एज यूजुअल। ये क्या गाइस, ओ भाई ये क्या हो गया। तो गाइस ये पता नहीं क्या हो गया,
ये क्या माल फंक्शनिंग हो रही है, ये क्या हो गया भाई, फंस गया क्या? तो गाइस पता नहीं ये मेरी आई थिंक अटैक रिंग टूटने की कगार पे आ गई है, पुरानी चीजें हैं। ये क्या गाइस जंपी अपना, ये क्या मेटल ड्रॉन्स, और जंपी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही, आई थिंक अटैक रिंग में थोड़ा दिक्कत है इसके। अरे फिर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, एक मौका और देंगे क्योंकि वैसे भी जंपी को हमने अच्छे से देखो लॉन्च तो किया नहीं था, तो पहले मेटल ड्रॉन्स लॉन्च करते हैं फिर जंपी करेंगे। ठीक है मेटल ड्रॉन्स, अब बारी है गाइस जंपी की। ये क्या गाइस जंपी अपना, अरे भाई क्या हो रहा है ये फिर, ये क्या है भाई, मज़ेदार तो देखो ये बहुत है बट इसकी ना अटैक रिंग थोड़ी थोड़ी टूट के देखो गिर रही है इधर पे, तो वो थोड़ा बुरा लग रहा है। कोई नहीं फिर से कर लेंगे, आखिरी बैच होगा वैसे ये, मैं पहले ही बता दूँ। ठीक है जंपी, ओ भाई शिट गाइस ये गलत हो गया है, मुझे शायद ये नहीं ट्राई करना चाहिए था, हमारा जंपी सैडली टूट चुका है, किस जगह से कैसे टूटा मुझे नहीं पता बट बुरा लग रहा है, मैं ये बैटल कभी दोबारा नहीं करने वाला हूँ। तो मुझे पहले लगा था अटैक रिंग टूट रही, फिर मैं अभी ध्यान से देखा तो जंपी एक्चुअली टूट रहा है, और कहते हुए थोड़ा बुरा लग रहा है कि इतने पुरानी चीज़ को यार टूटते हुए बहुत दुख होता है भाई। जीत तो गया मैच बट यहाँ से टूटने के बाद तो यार ये बहुत बुरा लग रहा है, नीचे इसके अटैक किया गया इस बेवलेट ने और यहाँ से बेचारा टूट गया, इसका स्क्रू तक निकल गया एक साइड का, तो भाई अब मैं तो बैटल नहीं करने वाला हूँ इसकी, और वैसे भी ये बर्बाद हो गया, बैटल करने लायक आई थिंक बचा भी नहीं। तो गाइस मूड खराब हो गया है, यहीं पर वीडियो को रोकना पड़ेगा, और आपको जो भी लगता है यार बताना कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय।